नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोग बकरी पालन से जुड़े हुए हैं तो अक्सर ऐसी हमारी फ्लॉक में एक आध बकरियाँ होती हैं जो कमज़ोर होती हैं या समय से पहले वो बच्चा फेंक देते हैं, तो क्या कारण होते हैं उसके, और अगर मान लीजिए समय से पहले बच्चा उन्होंने अबॉर्ट किया है तो उसको बचाने के लिए, बकरी को हमको सुरक्षित करने के लिए क्या क्या इंतजाम करने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि बकरी हमारी सुरक्षित हो, किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन ना हो। हमारे साथ जुड़ेंगे बिलासपुर के आतिफ सर और उनसे हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वो खुद एक बकरी पालन है पालक हैं, पिछले 9 सालों से बकरी पालन का अनुभव रखते हैं और इनके ऊपर विशेष चर्चा रहेगी इसके ऊपर। तो चलिए चलते हैं, पहले आतिफ भाई से मिलते हैं और फिर इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो आतिफ भाई, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थोड़ा सा मुझे यही बताइए कि अक्सर बकरी पालक बकरियों में तो हमेशा जुड़े ही रहते हैं और उनके यहाँ पर भी ऐसा एक आध बकरी होती है, मतलब अगर 25-30-50 बकरियाँ वो रखे हुए हैं, तो क्या कारण होता है कि बकरी अबॉर्ट कर जाती है या समय से पहले बच्चा फेंक देती है? देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो है मिनरल डेफिशिएंसी जी, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि बकरी जो है ना उतनी कैपेबल नहीं होती कि वो अपने बच्चों को पाल पाए। उनके पेट में कई बार ऐसा होता है बच्चे दो हो गए, बकरी हल्की है, वेट उनका कम है, वो संभाल नहीं पाती बच्चों को। दूसरी सबसे मेन कारण जो आपको हम बताया मिनरल डेफिशिएंसी, उनमें खुद में ताकत नहीं है तो बच्चे कैसे पालेगी, बिल्कुल ठीक है। और अभी यहाँ पे जो इस फ्लॉक में जो दिक्कत थी, ये बकरियों को सर्दी हो गई थी। हाँ, ये सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम में थी ये जी। और इनको जब एंटीबायोटिक दी गई, हाँ, तो एंटीबायोटिक की गर्माहट की वजह से जो है ना ये बच्चा फेंक दी। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी ये बकरी और 2 बच्चे थे इसके पेट में। अब आप समझिए 2 बच्चों का लॉस अगर होता है तो ये कितना बड़ा लॉस है। इतनी अच्छी बकरी है और आज ये वीक हो गई, बिल्कुल, तो ये कितना बड़ा लॉस है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया कि सबसे पहले बच्चा देने के बाद में इतनी वीक थी, मिनरल डेफिशिएंसी इतनी थी कि ये अपना जो अवल होता है, जो जेर जो हम बोलते हैं, ये वो भी नहीं निकल पा रहा था इसका। अच्छा, उसको भी हमने धीरे से निकाला। निकालने के बाद में जो है उसकी सफाई की बॉडी की, वो आप देखेंगे बकरी पूरी नहा धो के पूरी रेडी है, बिल्कुल ठीक है। उसकी पीछे की पूरी सफाई हुई, उसमें जो है टॉपी की ओर स्प्रे मारा गया, मक्खी वगैरह ना आए सर की। फिर जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल ये देखिए, ये देखिए, ये मेट्रोनिडाजोल का जो इंजेक्शन आता है ना, हाँ हाँ, ये आपका वो है 100 ml की जो IV देते हैं हम लोग, बिल्कुल ये वो है, ठीक है। इससे हमने क्या किया है ना, इसको हम धोए हैं। ये पीछे ये देखिए पाइप दिख रहा है आपको, बिल्कुल, ये वैसे गाय भैंस में यूज होता है। हाँ, इस पाइप को लेके हमने उसके वेजाइना में डाल के इससे पूरी उसकी जो है सफाई की गई है। अच्छा, सफाई का रीज़न ये है कि जो भी अंदर बैक्टीरिया होंगे वो पूरी तरीके से मर जाएंगे, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं होगा और बकरी आपकी सेफ रहेगी, कम से कम जो उसकी बच्चेदानी है वो सेफ रहेगी। अच्छा, ठीक है। उसके साथ में उसमें जो ऑक्सी का बोलस आता है, ऑक्सीडेटर साइक्लिन का बोलस आता है, वो बोलस डाला गया उसको लगाने में। अच्छा, इसकी वजह से जो है उसको इन्फेक्शन ना हो बिल्कुल भी, बच्चेदानी उसकी अच्छी रहे। अब जो है मैं उसको, जब बच्चा निकल ही गया उसका, तो अब उसको मैं एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के, जैसे उसको फीवर तेज है, जुकाम है, और उसके बाद में उसको और भी जो इन्फेक्शन हुए हैं, जो अभी पहले से जो हो चुके हैं उसको, वो सारी चीज़ों को मैं इंजेक्शन दे के अभी ठीक कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए कितना सफल होता है। कल से अभी कंडीशन उसकी थोड़ी सी बेटर है, कल वो उठने बैठने में भी उसको बहुत दिक्कत थी, उसका पैर पूरा मुड़ा हुआ था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी सी खड़े भी हो रही है, अच्छे से चल रही है। और उसको हम लोग और भी मल्टीविटामिंस वगैरह दे रहे हैं जिससे वो जल्दी रिकवर हो। तो अभी वो आपके सामने है, अभी खा पी रही है, मैं खाते से फीडर से लाया, आप शायद देखे होंगे। बिल्कुल। तो आतिफ भाई, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये चीज़ अक्सर हमें मिनरल डिफिशियंसी से देखने मिलती है, सबसे मेन है ना, तो किसान भाइयों को थोड़ा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए वो दाने के रूप में बहुत सारी चीज़ें वो खिलाते रहते हैं जी, पर हो सकता है उनको उस चीज़ के बारे में पता ना हो, तो वो किस चीज़ों का ध्यान रखें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि ऐसी उनके यहाँ पर समस्या ना देखने मिले। सबसे पहले तो जब बकरी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए, हाँ, तो उसको जो वाइटमिन्स है, मिनरल्स है, वो उसको चालू कर दें। वैसे बकरियों को तो ऐसा होता है ना कि जितना हम उसको देंगे उतना वो हमको रिटर्न देगी, वो कभी हमको लॉस नहीं देती, लेकिन हमको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमको उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या फीड देना है, हमको सारी चीज़ें नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं फीड? देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो मिनरल्स है। हाँ, जितने मिनरल्स उसको दिए जाए
उसको कैल्शियम जितना दिया जाए वो स्ट्रांग रहेगी, अगर वो स्ट्रांग रहेगी तो बच्चा उसका हेल्दी होगा। बिल्कुल। तो 3 महीना जैसे ही हो जाए ना उसको तो पहले मिनरल्स चालू कर देना चाहिए, ठीक है। और जब उसके मिनरल्स चल रहे हो तो अभी मिनरल में हम लोग क्या देते हैं, वो नॉर्मल जो मिनरल मिक्सचर आते हैं 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 200, बस उसको परचेस कर लेते हैं, उसको चलाते हैं। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि उसके कंटेंट में क्या क्या मिनरल्स हैं। अगर मिनरल्स के बारे में और जानकारी किसी को चाहिए तो अगर चाहे तो मेरे कॉल कर ले कि कौन सा मिनरल मिक्सचर उसको देना चाहिए, कौन सा गोट फीड के लिए बेटर है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। नंबर आप अगर डालेंगे तो उस पर जो है मैं पूरी डिटेल्स उनको दे दूंगा। लेकिन मेरी नॉलेज में एक अभी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, अमीनो एसिड, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अलग देते हैं। जैसे आपका लीवर टॉनिक हो गया, तो लीवर टॉनिक में क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है, लीवर एक्सट्रैक्ट है, तो कम से कम उसमें अगर लीवर एक्सट्रैक्ट नहीं है तो बी कॉम्प्लेक्स तो दिया हुआ है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स तो दिया हुआ है, एमिनो एसिड दिया हुआ है, एमिनो एसिड कोई नहीं पिलाता, एमिनो एसिड दिया हुआ है, प्रोटीन दिया हुआ है, 27.5% प्रोटीन दिया हुआ है, तो क्यों ना हम 10 प्रोडक्ट को छोड़ के एक ऐसा प्रोडक्ट पकड़ें, भले वो कॉस्टली हो, लेकिन आपको पता है जब हम 10 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना तो वो उतनी कॉस्टिंग नहीं जाएगी जितना एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है। मतलब वो जो अलग वो बहुत महंगा पड़ता है हमको, वो 1500-2000 रुपये किलो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अगर हम एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और एक ही में हमको सब मिल रहा है तो क्यों ना इसी को यूज़ किया जाए। तो अगर किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और चाहिए तो बिल्कुल मेरे को पूछे, और अपनी बकरियों को अच्छा हेल्दी रखे वो शुरू से। अगर उसकी बकरी 3 महीने की प्रेगनेंसी से ही वो अच्छी हेल्दी रहेगी तो आगे उसके बच्चे भी हेल्दी आएंगे। कल जैसे हम इस बकरी को देख भी रहे थे कि इसने सुबह अबॉर्ट किया था और शाम तक इसने जेर नहीं डाली थी जी, तो लगभग समझिए मेरे को लगता है कि लगभग ये 15 घंटे बाद इसका जेर गिरा है। अच्छा, 12 से 15 घंटे बाद। तो ये रात में बच्चा दी थी, कल रात में, हाँ। परसों रात में, समझिए रात में। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर अपन किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए वो भी थोड़ा सा बताएं। नहीं देखिए, अगर देर नहीं गिर रहा है तो हमको कम से कम पहले 12 घंटा तो वेट करना है, और वेट करने के बाद में उसको कुछ ऐसी एंटीबायोटिक, पहले तो अगर उतने देर में गिर जाता है तो बेटर है, अगर नहीं गिरता है तो हम उसको धीरे से निकालें, ऊपर का ही जो है ना उसको कट नहीं करना है, उसको धीरे से निकालें, अगर वो निकल जाता है आसानी से तो ठीक है, और अगर नहीं निकलता है तो उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना, धीरे से जितना खिंचा जाए वो उसको निकालना है और वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। उसके बाद में हम उसको कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे जिसकी वजह से वो बाहर आएगा। उसके बाद हमको जो वेजाइना है उसका पीछे जो छेद है जहाँ बच्चा दानी जो होती है ना अंदर, वहाँ पे हमको कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स डालना है जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन ना हो, और उसको कुछ मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स ऐसे देना जिसकी वजह से वो जल्दी रिकवर हो। बिल्कुल। उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बकरी आपकी शुरू से हेल्दी है तो ये दिक्कत तो आएगी नहीं। बिल्कुल। और अगर बकरी में ही कुछ दिक्कत है, मान लीजिए मिनरल डेफिशिएंसी या कुछ भी है, उसको कुछ परेशानी है, अगर ये आती है तो ये ठीक हो सकता है, बस जानकारी थोड़ी चाहिए। तो जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं वो अगर मान लीजिए ये चीज़ें कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बिल्कुल डॉक्टर से संपर्क करें और समय रहते ऐसी बकरियों का उपचार करें। और भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आप फीड पर ध्यान दीजिए, विटामिन और मिनरल्स समय पर दीजिए, तो ऐसी डेफिशिएंसी हमें देखने नहीं मिलेगी, कमियां हमें देखने नहीं मिलेंगी बकरियों में, तो ये समस्या नहीं आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।